औरतन के घूंघट लेवक चाहिए कि ना लेवक चाहिए? लेवक चाहिए। काहे के? काहे के जेठ बड़ ससुर जेठाऊ सब हैं, उनके सबके सामने घूंघट ना करबू तब तो नैहर सासुर बराबर हो जाए। अरे दीदी पहले से बना हो यही से हमहू के करे के पड़ा। उनका आपके घूंघट लेव अच्छा लगत है? ना हमें अच्छा लगत है ना हमें खराब लगत है। प्रथा का समाप्ति हो जाए कि ऐसा चलत रहे हमेशा? देखा दीदी यही में लाज बा, अगर चलत रहे तब तक ठीक बा, ना चलत रहे जान लाज कुल खत्म बाटे घूंघटे में कुल बा। जब आपको बहू आई है तो आप चाहिए कि आपका बहू ऐसा घूंघट निकाले रहे? हाँ हम अपने ससुर के सामने घूंघट करे रहे। आपों के सामने करे रहे? नहीं हमारे सामने का, हम तो उनका सास है। जान लो उन हमारे लड़किए बन के आई है लेकिन जैसे बहू है वैसे रही हैं। रोड पर जो बड़ा देख ले ना अब हाँ तू ना उठा कर देख ला, देश का भरे का नानी हैं, देश भरे का मौसी हैं कि घूंघट ना करे हैं, ऐसे डोलत हैं, उल्टा पल्ला मारत हैं, देख ला कैसे भाई ऐसे सब कहे। क्यों घूंघट लेती हैं? घर वाले कहते हैं इसलिए। ससुराल जब आई आप तो आपको घूंघट लेने के लिए कहा गया था कि आप खुद ही लेना शुरू कर दें? कहा गया था। क्या कहा गया था? अपना मतलब चेहरा ढक के रखो। क्यों ढकने के लिए कहा गया? ताकि हमारे घर की बहू कोई देख ना पाए। क्या आपको घूंघट लेना पसंद है? पसंद नहीं है तो फिर भी लेना पड़ता है ना। क्यों नहीं पसंद है? इसलिए नहीं पसंद, घूंघट करेंगी तो आप देख नहीं पाएंगी किसी को और ना कोई आपको देख पाएगा। घूंघट लिए है पता चला गिर पड़ी चलते चलते उसका पैर टूटा हाथ टूटा कोई देगा उसे? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है घूंघट ली? हुआ है। क्या हुआ? मेरे हाथ में चोट लगी है अभी तक दाग नहीं मिटा। आपके हिसाब से इस प्रथा की वजह क्या रही होगी? वजह यही कि हमारे घर की बहू बेटियों कोई ना देखे। अगर आपका बहू घूंघट न लेवा चाहे तब का करी है? काहे न लेई है तब जाए मनमानी घूमे काहे के न लेई है यही में तो लाज शर्म बा। क्या आपके पति जब गए थे ससुराल पहली बार तो वो भी घूंघट लेके गए थे? नहीं। क्यों नहीं लेके गए थे? क्यों नहीं लेकर गए थे, तो आदमी थे ना पुरुष में और महिला में तो अंतर रहेगा ही।